पर एक दलाई लामा का टेंपल भी है। सो गाइस यहाँ मुझे मिले हैं गौरव भाई, हम लोग दीपक ताल पहुँच गए हैं। सो गाइस यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं जो कोलकाता से पैदल चल रहे हैं, मतलब कैन यू बीट इट, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर और हावड़ा ब्रिज से कारदुंगला तक। आपका नाम क्या, पहले नाम बताइए? मेरा नाम है मिलन माझी। सो गाइस चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ सूरज ताल, अभी अप्रोक्स 10:30 हो गए हैं। सो गाइस चलते चलते तकरीबन 11 बज गया है और मैं बारालच्छा पहुँच गया हूँ, सूरज ताल से थोड़ा सा ही आगे है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जिस्पा, और अभी अप्रॉक्स हो गया है सुबह का 7:30 और आज है 3rd of May। तो जिस्पा में जो वेदर है आज थोड़ा सा सनी है, बट ठंड भी है, क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा है। ऊपर ग्लेशियर साइड तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्रीजर नहीं हो जाता, वाइट सा एकदम ऐसा हो रखा है माहौल, ठंड से, ठंड और धूप का मिक्सचर है। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाके ठंड होने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल लेयरिंग कर लेंगे, इसके अंदर एक और जैकेट डाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल क्या सीन है कि यहाँ से दारचा से जो लेह के लिए रास्ता है वो टाइमिंग के हिसाब से खुल रहा है, 9 बजे से 1 बजे तक खुलता है। तो गाइस तकरीबन 8 बज गए हैं और मैं यहाँ से जिस पास से निकल गया हूँ, तो आई होप 1.5 घंटे या 2 घंटे में पहुँच जाऊँ। लेट्स सी, वेदर थोड़ा ठंडा है तो धीरे धीरे चलूँगा क्योंकि हवा लग रही है और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, भूल गया ग्लव्स आना, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने ज़्यादा ठंड होगा ऊपर की साइड। एनीवे चलो चलते धीरे धीरे और आपको जिस्पा का भी लुक दे दूँ, छोटा सा सिटी है। सो गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ यहाँ पे, एक तो ना जिस साइड हम रुके हुए थे ना स्टार्टिंग ऑफ जिस्पा में, वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है, सब जियो का आता है। और फिर जब थोड़ा सा आगे आ जाओ जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ जिस्पा है, लास्ट वाला जो है, वहाँ पे एयरटेल का भी नेटवर्क आता है। तो आप दोनों ही नेटवर्क ले आओ तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पे एक माउंटेनिंग का इंस्टीट्यूट भी है, माउंटेनिंग जो कोर्स वोर्स कराते हैं ना, तो वहाँ पे अगर आप चाहो तो चीप पे रूम भी अवेलेबल हो जाता है, अगर इनका अवेलेबिलिटी हो तो बहुत सस्ता मिल जाता है अगर आप चाहो तो। तो यही है बस, जिसपा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, फिर आगे है दलाई लामा का टेम्पल। चलो आप दलाई लामा के टेम्पल में आपको दिखाता हूँ। तो भाई जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर एक दलाई लामा का टेम्पल भी है, तो आप चाहो तो यहाँ घूमने आ सकते हो अगर आप एक दिन पहले आ रहे हो। और यहाँ से आगे जो है अब कुछ नहीं है, सीधे दारचा में ही मिलेगा जो भी मिलेगा। सो गाइस अभी दारचा में यहाँ पे चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ से जो एंट्री है अभी लिमिटेड है, 9 बजे से 12 या 1 बजे तक ये लोग एंट्री देते हैं लेह के लिए। तो सबसे आगे मैंने अपनी स्कूटी लगा दी है, 2-व्हीलर होने का फ़ायदा यही होता है ना। अभी तो रजिस्ट्रेशन हो गया तो 9 बजे तकरीबन खुलने वाला है, तो अभी 15-20 मिनट बचे हुए हैं। और यहाँ पे जो अमेजिंग व्यूज है आप आनंद ले सकते हो यहाँ पर, है ना। बाकी तो यही है, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। सो गाइस यहाँ मुझे मिले हैं गौरव भाई। तो बेसिकली कल जब हम होटल ढूंढ रहे थे तो इनकी गाड़ी वहाँ पे आई थी UK04 की, तो मैंने पहचान लिया कि हल्द्वानी की है, तो हमने इंटरेक्शन किया, काफ़ी अच्छा लगता है ना कहीं और दूसरे अपनी जगह मिल जाए। और ये भी अभी यहाँ से लेह अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ से सीधे लेह जाएंगे, है ना, ले जाएंगे। ये लोग हल्द्वानी से ही ड्राइव करके आए हैं, बड़ा मज़ेदार है। ऑल दी बेस्ट फॉर यू। और इनका भी एक चैनल है, ट्रैवल ब्लॉग करते हैं ना, क्या नाम है, राइडर ब्रो गौरव के नाम से मेरा चैनल है गाइस। और प्लीज मेरे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और हिमांशु भाई के चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल भाई को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल भी मैंने इनके ब्लॉग्स देखे काफी सारे, तो बहुत मजा आया देख के, थैंक यू सो मच। और यहाँ लोकल ये एंजॉय भी काफी कर रहे हैं, और जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो सही मायने में तो मजा इसी तरह से आता है। कल मैं डिस्कस कर रहा था कि जब आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं, जैसे आज जा रहे हैं, हम गए एक दिन घूम के 2 दिन घूम के वापस हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ रह के यहाँ का जो फील ले रहे हैं ना उसका मजा आया अलग। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामना हिमांशु भाई को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए और ऑल दी बेस्ट आपको, थैंक यू, ले करना और मुझे बताना कैसा आपका एक्सपीरियंस। मैं तो स्कूटी में हूँ, नहीं तो मैं भी पहुंच ही जाता, ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से। तो गाइस ये हमने कर लिया चेक पोस्ट पार दारचा वाला, और हम निकल पड़े हैं अपनी राह पे लेह वाले, बिल्कुल लेह अब दूर नहीं बट अभी हम जा रहे हैं सूरज ताल। यार मेरा मन तो कर रहा लेह अटेम्प्ट कर लूँ यहाँ से, साला सीधे एक दो दिन की छुट्टी और होती ना मैं तो भग लेता सीधे, सही बता रहा हूँ। बट मज़ा आ रहा है, वाइब्स अच्छी आ रही है, अभी भाई भी मिल गए थे जैसा कि आपने देखा अपने वहीं के,
तो वो तो खैर डस्टर लेकर आए हैं, हम तो स्कूटी में हैं, नहीं चलते हैं धीरे धीरे मजे करते हुए। सो गाइस यहाँ से दो रूट कटती हैं आपकी, एक ये चीका साइड जा रही है और एक जा रही है लेह की तरफ। तो हम जाएंगे लेह की तरफ, और अगर चीका, मेरे को भी पहली बार सुना है इस जगह का नाम, कभी आऊँगा तो इसे भी एक्सप्लोर करेंगे कभी ना कभी, बट अभी फिलहाल चलते हैं लेह की तरफ। सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा दीपक ताल का। दारचा क्रॉस करने के बाद एक आध जगह ही जो है ऑफ रोडिंग वाला पैच आया छोटा सा, और एक जगह पे छोटा सा पानी रिवर क्रॉसिंग टाइप का, मतलब हल्का सा छोटा सा नाला आया, मैनेजेबल था, और बाकी रोड अभी तक सो फार सो गुड। और एक चीज़ है कि अब दारचा क्रॉस करने के बाद ना स्कूटी थोड़ा सा जवाब देने लगी है, थोड़ा यू नो फुल खींचने एक्सेल पर खींचने के बाद भी बहुत स्लो चल रही है, तो ये एल्टीट्यूड गेन हो रहा है इस वजह से, देखते हैं कहाँ तक बनता है। तो गाइस वहाँ से अप्रोक्स आधे घंटे की राइड के बाद हम लोग दीपक ताल पहुँच गए हैं। ये बेसिकली रास्ते में ही पड़ता है, बिल्कुल रोड के बगल में है, और इसका नाम दीपक ताल इसलिए बिकॉज इसका जो शेप है ना वो दीपक की तरह है। बाकी इसके ऊपर ना कैंप साइट्स वगैरह भी दिख रही थी, पता नहीं परमिशन वगैरह का क्या सीन है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर वो बनाया हुआ है, कैंप पिच करने के लिए स्पेस बनाया हुआ है, काफ़ी सही है। मतलब वो तो अच्छा है, आज वेदर ने भी साथ दिया है तो थोड़ा थोड़ा धूप आ गई है, नहीं तो बड़ी ठंडी होने वाली थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने चाय वाय वगैरह ले लिए भैया की दुकान से, तो आप इधर को आ रहे हो तो नेटवर्क तो मिलेगा नहीं, थोड़ा कैश रख के लाना अपने साथ और टैंक फुल करके आना। ओके बाजी, मिलते हैं फिर। तो अब स्कूटी का हो रहा है, पता नहीं पहुंच पाता हूं नहीं पहुंच पाता हूं, पूरा एक्सीलेटर खींचा हुआ है, घूम 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 कर रही है, भगवान पहुंचा दो। लेकिन मज़ा आ रहा है व्यू देख के यार, बहुत शानदार मज़ा आ गया एकदम। सो गाइस यहां से बारह लच्छा 21 किलोमीटर है, और सरचू है 53, और जो ले है यहां से 302 किलोमीटर। यह है झिंगझिंग बार वाला मोड़, यहां से जो है थोड़ा ही रह गया है सूरजताल, और ख़तरनाक चढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, और पूरा ग्लेशियर है यहां से स्टार्ट हो गया है पूरा, पता नहीं स्कूटी खिंच पाएगी नहीं खिंच पाएगी। आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय स्कूटी? नहीं नहीं नहीं, मैं मनाली से रेंट कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे मुझे भैया मिले हैं जो कोलकाता से पैदल चल रहे हैं, मतलब कैन यू बीट इट, 2500 किलोमीटर और हावड़ा ब्रिज से काठमांडू तक। आपका नाम क्या, पहले नाम बताइए? मेरा नाम है मिलन माझी। मिलन माझी, मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली जिला का रहने वाला हूँ। अच्छा, और मेरा अभी 71 डेज है वहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने में 71 डेज, और 29 डेज में मुझे खारदुंगला तक पहुँचना है पैदल। अच्छा, मतलब 100 डेज में मुझे टारगेट है, 100 डेज में मेरा ये लक्ष्य है कि मैं हावड़ा ब्रिज से खारदुंगला तक पहुँचूँ। बहुत बढ़िया है, पैदल बढ़िया। मतलब आप एक जीती जाती प्रेरणा हमारे लिए। मैं तो फिर भी स्कूटी में आ रहा हूँ, मैं आपको देख के दंग रह गया, मतलब लोग मेरे से बोल रहे थे तुम स्कूटी में कहाँ जा रहे हो भाई, पैदल जा रहे यार, मजा आ गया भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट यार, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। भाई साहब ये ऑल इंडिया कर रहा है साइकिल से, इनका साइकिल यही है इनका। अच्छा, तो ये भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह। आप कहाँ से आए हो? कोलकाता। कोलकाता से आए अभी, बहुत बढ़िया यार, आपको भी ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। पानी वानी तो नहीं चाहिए कुछ? नहीं नहीं, सारा सामान है ना आपके पास, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, प्रे कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी प्रे है दोस्तों, सब आप भी इनके लिए प्रे करें, ये अपना लक्ष्य अचीव करें, है ना, जब तक वीडियो आएगी तब तक तो ये अचीव कर चुके होंगे भगवान की कृपा से, और जरूर इनको सपोर्ट करो। हाँ, आपका कोई चैनल वैनल कुछ है? नहीं, मेरा नाम से मतलब आपको गूगल में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, मिलन माझी है, MILAN मिलन MAJHI माझी। अच्छा, तो इसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब गूगल में बहुत सारा। आप ऐसे चलते रहते हो क्या पैदल? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा एक्चुअली मेरा जिद था, मतलब मेरा सपना था कभी लद्दाख जाएंगे और खुद का बाइक से जाएंगे। जो लोग बाइक राइडिंग करते हैं उनको जानते हैं कि बाइक से अलग ही मजा होता है, तो मेरा था कि एक बाइक लेके जाएंगे, तो फाइनेंशियली बाइक अफोर्ड नहीं कर पाया। सच्ची बात यही है कि मतलब एक होता है ना खुद का एक बाइक, मगर वो बहुत बार कोशिश की एक बाइक लेने का, मगर हो नहीं पाया। कहते आपका डेस्टिनी में जो नहीं है, आप जितना भी कोशिश कर लो वो हो नहीं पाया। तो वही है, तो तभी मुझे कहीं ना कहीं जिद था,
जहाँ तक लोग फोर व्हीलर से बाइक से जाते हैं वहाँ तक मैं जाऊंगा, अभी पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि पैदल अभी तक कोई सोचा भी नहीं होगा, 2500 किलोमीटर पैदल चलना कोई सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये मेरा सपना भी पूरा करूंगा और साथ में लद्दाख में अपना एक छाप छोड़ के आऊंगा कि अपने सपनों के पीछे एक पर अलग आया था। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाऊंगा, बस वही है ना, आप लोग थोड़ा बस प्रे कर देना मेरे लिए, वही सबसे बढ़िया। बिल्कुल 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 यार, ऑल दी वेरी बेस्ट। ओके थैंक यू। लोग बिल्कुल ग्लेशियर में पहुंच गए हैं, ठंडी से पूरी जम गई है और स्कूटी भी मतलब धक धक करके चल रही है, मजा बड़ा आ रहा है, मतलब इतने मस्त है ना। और वो साइकिल वाले माजी भैया को देख के तो मतलब मेरा जोश डबल हो गया एकदम, मतलब अब तो मैं स्कूटी से लद्दाख ही पहुंच जाऊंगा भयंकर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। बट मज़ा आया, काफ़ी प्रेरणा मिली उनको देख के। और यहाँ से जैसा कि आप देखोगे ठंड भी, ठंडी हवाएं चल रही है और ज़बरदस्त नज़ारे। चलते चलते मैं पहुंच गया हूं सूरजताल, अभी अप्रॉक्स 10:30 हो गए हैं और एज यू कैन सी पूरा फ्रोजन है, अभी बिल्कुल रोड के बगल में ही है, पूरा फ्रोजन है बिल्कुल ग्लेशियर के बीच में। तो ये सूरजताल है, जो जैसे आपने चंद्रताल का नाम सुना होगा ना, ऐसे ही ये सूरजताल है। चंद्रताल जो स्पीति उधर साइड पड़ता है, तो वो वहाँ मैं बहुत पहले गया था, अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज अक्षय तिथि भी है और आज के दिन पे सूरज भगवान के ताल पे दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा, फिर 12 लच्छा तक ट्राई करता हूँ स्कूटी कितनी खिंच पाती है, 12 लच्छा पास करके फिर वापस आ जाएंगे। तो मज़ा आ गया, मतलब यहाँ के आने तक वर्थ हो गया। तो वैसे हमारा प्लान तो सूरजताल तक आने तक ही था, बट अब 12 लच्छा पास में है तो क्यों ना 12 लच्छा भी हो जाए। गाइस चलते चलते तकरीबन 11 बज गया है और मैं 12 लच्छा पहुंच गया हूं, सूरजताल से थोड़ा सा ही आगे है। तो अब अगर सूरजताल तक आ रहे हो तो 12 लच्छा जरूर कर लेना, ये है 12 लच्छा पास। कुछ लोग ऑलरेडी रुके हुए हैं यहाँ पे, पूरा ग्लेशियर है, हिमालयन डिजर्ट एकदम, ऑक्सीजन भी थोड़ी कम है, थोड़ा ज़्यादा बोलने में सांस जैसी चढ़ जा रही है, बट काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सो गाइस 12 लच्छा तो हो गया है कंप्लीट और अब यहाँ से मैं निकलता हूँ धीरे धीरे मनाली के लिए, बिकॉज मनाली शाम तक पहुँचना है।
सो गाइस फाइनली दारचा पहुंच गया हूँ। भाई तुम्हारा भाई बिल्कुल जान बचा के आया है, सीरियसली वेदर तो इतना खतरनाक था और ऊपर से ग्लव्स भी नहीं थे। मुझे लग रहा है ऊपर स्नोफॉल होने वाला है आज और बारिश भी होने लगी है और पता नहीं कैसे बनेगी बात आगे। मनाली तक जाना है पूरा, लेट्स सी। भैया कहाँ चाहिए? तो भाई लोग सीन ऐसा है कि अभी तो चाय पी जा रही है, बहुत भयंकर ठंडी हो गई यहाँ पर, तो ग्लव्स भी नहीं है और बारिश बहुत तेज़ पड़ने लगी है। वेदर तो बहुत खतरनाक हो गया। भगवान का लग शुक्र है कि मैं सही टाइम पे नीचे आ गया हूँ, सही टाइम पे पहुँच गया दारचा। अब यहाँ से आगे जिसपा है, जिसपा मैं देखूंगा क्या सीन बनता है, नहीं तो फिर वहाँ स्टे कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या हो सकता है, नहीं तो सिसु पहुँच गया तो ठीक है, देखते हैं कहाँ तक बन जाती गाड़ी। सो गाइस बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो मैंने सोचा था कि टाइम यूटिलाइज़ कर लूँ, तो मैं लंच यहीं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे आगे का। तो भाई लोगों की दुकान में बैठ चुका हूँ, बहुत तेज बारिश हो गई थी, पूरी जैकेट वैकेट भीग गई, सारा सामान भीग गया है, तो जैकेट सुखाने रखी हुई है और चाय पी रहा हूँ, तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर पेट्रोल पंप है किलो, तो पेट्रोल भी कराना है। धीरे धीरे देखते हैं, बारिश का वेट करूँगा पूरे जब तक पूरी रखने लगा, पूरा भीग चुका हूँ ऑलरेडी। सो गाइस देखिए स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, नीचे बारिश और ऊपर स्नोफॉल तगड़ा हुआ है, देख रहे हो पूरा सफ़ेद हो गया एकदम भयंकर। मुझे लग रहा है उधर साइड भी बर्फ, अरे उधर को भी स्नोफॉल हुआ है यार तगड़ा। देखो अभी थोड़ी बारिश और रुक रही है, इसके बाद 15-20 मिनट रुकेंगे फिर उसका चलते हैं यहाँ से। तो गाइस ये दाजू हमारे मिल गए हैं उत्तराखंड के ही यहाँ। क्या नाम है दाजू आपका? पूरण सिंह कुमार। कहाँ से थे आप? तेजी गढ़वाल। तेजी गढ़वाल के थे हमारे दाजू ये, तो यहीं यहाँ जॉब करते हैं, तो अभी इन्होंने बड़ी हेल्प करी हमारी, पन्नी वन्नी दे दी और चाय वाय जबरदस्त पिला दी एकदम। धन्यवाद दाजू, फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर, ओके भाई। तो गाइस यहाँ से तो मैं निकल गया हूँ, थोड़ी बारिश रुक गई है, आई होप मनाली उजाले में पहुँच जाऊँ, देखते हैं जितनी जल्दी हो सके, फिर वहाँ जाके स्टे भी देखना है, कोई सस्ता जुगाड़ देखना पड़ेगा, कोई हॉस्टल ढूंढता हूँ वहाँ मनाली जाके। फिलहाल यहाँ से निकल के पहले कीलोंग में तेल भराता हूँ, यहाँ से कीलोंग है अभी 2-3 किलोमीटर तो है अभी पेट्रोल पम्प। सो गाइस स्कूटी वगैरह मैंने वापस कर दी है, तो अभी चलते थोड़ा बहुत कुछ रहने का जुगाड़ देख लेते हैं। देखा हॉस्टल छानता हूँ मैं, एक सामने हॉस्टल दिख रहा है मेरे को, इसी में चलता हूँ यार, थकान भी बहुत लगती है। तो भाई लोग सीन ऐसा है कि अभी मैंने यहाँ पर एक बंक बेड ले लिया है और प्लस एक लॉक भी ले आया हूँ, यहाँ पर लॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो चलते हैं ज़रा सामान वामान रख के थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है चलाते चलाते गाड़ी। चलो भैया, अरे भैया लिफ्ट लगवा देते हैं। सो गाइस कुछ दिनों के लिए रैन बसेरा यह है, तो तुम्हारे भाई ने ले लिया ये वाला बेड, बिकॉज थोड़ा सा विंडो सीट और प्लस साथ में लॉकर भी मिल गया है, लॉकर भी डिसेंट से है यहाँ पे, स्पेसियस है और लॉक खुद कराना पड़ता है, जैसे कि आपने देखा। एक बार वो भी देख लेते हैं वहाँ का वॉशरूम कैसा है। भाई वॉशरूम भी ठीक ठाक है, स्पेसियस है, बस गर्म पानी आता हो। मुझे हॉस्टल वाला सही लगा, इसमें थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए ना पर्दे वर्दे दे रखे हैं, ये चीज़ अच्छी है। थोड़ा सा वाला स्लीपर क्लास वाला फील आ रहा है, लेकिन ठीक है, प्राइवेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी स्पेसिस है 4 लोगों के लिए तो अच्छा है। सो गाइस चेक इन करने के साथ से आपको एक मैनुअल सा दिया जाएगा, इसमें मैप वगैरह दिया हुआ है आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना, आपको अगर हॉस्टल में आ रहे हो तो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी आसपास क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ली है, सिर्फ ये जोगनी वाटरफॉल रहता है, जोगनी वाटरफॉल जाएंगे हम ज़रूर। सो गाइस फिलहाल जीरो फेस्टिवल वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, कल सुबह लाइव कर दूंगा, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहो तो देख लेना। बस आज का यहीं ख़त्म करते हैं यार, बहुत थकान भी लग गई है और मैं रेस्ट करता हूँ, और बाकी फिर मिलता हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आपको वीडियो, कैसे लगी वादियाँ, जर्नी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर बहुत ही अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।